नमस्कार, मैं हूँ एसके मालवीय और आप देख रहे हैं एस24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागपंचमी का पावन पर्व है, गोपाल की छड़ी का आयोजन रखा गया है, जिसमें आज गोपाल जी की छड़ी रखाती है। नागपंचमी के पावन पर गोपाल जी की छड़ी रखाती है, गोपाल भक्त ये काम होता है जी। हाँ, और क्या कार्यक्रम रहेगा? और अपना जुलूस निकलेगा चौकी मामबड़े से, तो मैडम चौकी मामबड़े से जुलूस निकलेगा, किलोल स्कूल में समापन होगा, भंडारा रखा है। ये कितने दिन तक अपना ये अपना गोवा महाराज जी की छड़ी रखाई? 20 दिन का रहेगा। अच्छा, और फिर अपना जुलूस कौन सी तारीख निकलेगा? यात्रा 27 तारीख को गोवा नवमी वाले दिन। हाँ, जो गोवा नवमी है 27 अगस्त को, उसका निकलेगा जुलूस। अच्छा जी, उसके बाद भंडारा वगैरह? उसके बाद भंडारा रखा है, रात में भंडारा है, और पंजाब से बाला दास जी आ रहे हैं, गुरु जी हमारे, और भोपाल से मालजी आए हैं, हमारे संगरक्षक श्री सीमानाथ हमारे साथ हैं। मैं सीमानाथ योगी भोपाल से, जैसे कि हमारे भगत जी शिव गुरु गोरक्षनाथ भगवान के अंश, हमारे गोरक्षनाथ भगवान के उनके शिष्य हैं, उनकी हम छड़ी निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, और 27 अगस्त को शोभा यात्रा है और भंडारा है, और सभी लोग भोपाल वासियों से सबसे निवेदन करती हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और भोजन प्रसादी का आनंद लें। और हमारे जो भगत जी हैं, और 40 दिन से करीबन नंगे पैर घूमते हैं, भोजन प्रसादी नहीं लेते हैं, और काफ़ी मेहनत करते हैं क्षेत्र में, 20 साल से करते आए हैं, और बहुत योगदान रहा है इनका, और बहुत अच्छी से हमारे गुरु गोरक्षनाथ के अंश योगा भगवान का वो करते हैं, तो ये करीबन पूरे सावन चलती है तैयारी जी। मतलब अपना ये छड़ी बनाने में इसको भगवान का गोगा जी का कितना समय लगता है? बहुत समय, कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है इसमें। अच्छा, काफ़ी समय लगता है छड़ी बनाने। मेरा नाम केन सिंह चौहान है, मैं चंचामारो समिति के अध्यक्ष हूँ, और आज हमारे जो गोगा जी महाराज हैं उनका छड़ी निषाद पर्व जो है उसके उपलक्ष्य में आज ये हमारे गोगा जी की छड़ी निषाद खड़ा, जहाँ पर सतीश भगत जी जो हमारे हैं उनके निवास स्थान पे, और भोपाल में कई स्थानों पर जहांगीराबाद बैरागढ़ जगह जगह निशान खड़े करे जाते हैं आज के दिन, और उसमें जो जुलूस है चौके अम्बाड़ा बाल्मीक मंदिर से 27 अगस्त को शुरू होगा, वहाँ से दिन के 2 बजे से लेकर 4 बजे वहाँ शुरू हो जाएगा, जिसका समापन किलोल स्कूल ग्राउंड में है, वो किलोल स्कूल ग्राउंड में समापन के उपलक्ष्य में हमारे महापौर जी, हमारी बहन सीमानाथ जी और विश्वास सारंग जी और अन्य लोग पधार रहे हैं, जो शोभा यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में हमारे महाराज का जो है भंडारा भी है यहाँ पर किलोल स्कूल ग्राउंड में, उसी तारीख को रात्रि 8 बजे किलोल स्कूल में समापन है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।